ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल एक दिन पहले अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किए थे, सो वी आर ऑफिशियली क्वेश्चन मार्क। तो इस व्लॉग में वो बताए कि ही एंड सैनीज आर डेटिंग, मतलब वो दोनों अभी रिलेशनशिप में है। आप भी देखिए उस व्लॉग का ये छोटा सा वीडियो क्लिप। हम बहुत सारा बारबेक्यू सॉस डाल के खा रहे हैं, एक्चुअली वो है कि मी एंड सैनीज आर डेटिंग, यानी मतलब भी बोल देते अच्छी बात है, पोस्ट क्रेडिट सीन अगले वीडियो में आने पर समझाएंगे। अच्छा, मेरा भी बर्थडे है, मेरे को बहुत डीएम आते थे, बताओ भाई बताओ भाई। अनल ने वीडियो में पूरा स्टोरी विस्तार में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं एक विस्तार में वीडियो बनाते हैं। रियली गणपति पद्धति नहीं बोला, नहीं डालो, अरे डाल लो, हो गया अभी मिल जाओ। ये देखने के बाद मुंबई कर निखिल के सब्सक्राइबर्स भी लाइक। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर फैजू एंड अली काशिफ खान देशमुख के बारे में। मिस्टर फैजू को तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते अली काशिफ खान देशमुख को तो बता दूं, अली काशिफ खान देशमुख इज बेसिकली अ लॉयर। तो उन्होंने जो है मिस्टर फैजू के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है। अब उन्होंने वैसा क्यों किया उसी को एक्सप्लेन करते हुए वो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप भी देखिए उस वीडियो का छोटा सा वीडियो क्लिप। अभी लॉकडाउन के पीरियड में मिस्टर फैजू नाम से जो टिकटॉकर है उसने लॉकडाउन तोड़ के एक वीडियो बनाया। उसमें वो गेट के बाहर जा रहा है अपने और रोड को टच करके वापस आ रहा है, ये बोलते हुए कि मौत को टच करके टक से वापस आ सकता हूँ। इस चीज को चलते बहुत से बाद में टिकटॉकर्स लोगों ने भी कितने वीडियोस बनाए, मतलब इस चीज को, ये कोरोना के सिचुएशन में जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है उस जगह पे भी इन लोगों को इतना मजाक सूझता है इन ऐसे लोगों को, तो ये लोग इस तरीके के वीडियोज बनाते हैं। तो मैंने वो वीडियो लिया और मैंने उसको रिपोर्ट करवाया पुलिस स्टेशन में। अब क्या हो गया कि ये इतनी कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी हो गई कि मिस्टर फैजू से किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो लिया, बॉलीवुड हंगामा के कोई रिपोर्टर है, उन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में उन्होंने मेरे बारे में पूछा फैजू को कि अली काशिफ इज मेकिंग काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन यू, आपका इस पर क्या बोलना है। तो मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो वीडियो इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा गया था। Ali Kashyap is making all sorts of allegations against you. What do you have to say about it? तो ये ऐसा है कि अभी मुझे बहुत सारे मतलब मेंशन आ रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट वगैरह आ रहे हैं मेरे फैन पेजेस से और मेरे बहुत सारे फैन पेजेस जो मुझे भेज रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और ऐसा है कि जब हमारा अकाउंट नहीं था इससे पहले, तो मेरे वो दो फ्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त, अली काशिफ इज अ लॉयर, तो वो मेरे दो फ्रेंड के रिप्रेजेंटेटिव थे और उस वक्त उनसे नहीं हो पाया, तो उनसे वो दो शायद बेल रिजेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से हमने एक सीनियर लॉयर हायर किए, तो वो सीनियर लॉयर ने हमारा बहुत अच्छा मतलब हाई कोर्ट से हमें बेल करवाया था और हमें टिकटॉक इंडिया से हमारा अकाउंट भी वापस करवाया था। तो उस वक्त उनको थोड़ा प्रॉब्लम था हम लोगों से कि मतलब उनका कहना था कि मैं इनसे मतलब बदला लूंगा एंड ऑल, ये वो जो कि अभी भी वो अपनी स्टोरी पे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं और ये सब डाल रहे हैं। तो मुझे तो यही कहना है कि मतलब ऐसा ये सब मत कीजिए और ये पब्लिश नहीं कीजिए, क्योंकि एक लॉयर पे ये सब सारी चीजें सूट नहीं करती। अब ये इन जैसे लोग मुझे सिखाएंगे कि वकील की ड्यूटी क्या होती है, वकील का काम क्या होता है, ये लोग सिखाएंगे मुझे, तो इस तरीके का ये लोग वीडियो बनाते हैं मेरे खिलाफ। मैंने फाइनली अभी दो दिन पहले ही ये फाइल किया हूँ मिस्टर फैजू के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस, ये आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपको अली काशिफ खान देशमुख का ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ शर्माजी टेक्निकल के बारे में। तो कल शर्माजी टेक्निकल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए स्मार्टफोन कंपनीज के डार्क सीक्रेट्स। तो इस वीडियो में वो बताया कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है स्मार्टफोन वगैरह का अनबॉक्सिंग करते हैं एंड वो अपना रिव्यू देते हैं, वो सारे फेक होते हैं, मतलब कि उनको पैसा मिला हुआ होता है, ये बोल के कि इस फोन के सिर्फ तुम अच्छाइयां ही दिखाओ, एंड अगर वो लोग ने उस कंपनी के खिलाफ बोल दिया तो वो कंपनी जो है उसको बॉयकॉट कर देगी, मतलब कि नेक्स्ट टाइम से वो कंपनी उसको रिव्यू के लिए फोन देगी ही नहीं। तो आप भी देखिए शर्मा जी टेक्निकल के वीडियो का छोटा सा वीडियो क्लिप, एंड अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। आज की तारीख में अगर आप वीडियो देखते हो ना किसी भी फोन की, तो आप किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो एक बार क्या बात हुई थी कि मुझे जो है वो कंपनी से स्मार्टफोन भेजा करती थी कंपनी, तो उसका जो है वो एक मतलब मेरा एक मतलब मेरे दोस्त जो पता है पुराना उसका दोस्त था, और उसने जो है वो मुझे भेजा कि शर्मा जी ये देखो यार फोन था, ये कोई 28,000 रुपए का फोन था, इसको रिपेयर कराया ना तो मतलब 48,000 का बिल बन रहा है, और एक केस और देखा था हमने कि 52,000 रुपए का जो है वो बिल बन रहा है।
तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब अगर आप 28,000 रुपए के फोन को रिपेयर कराने जाओगे, अगर उसकी कीमत 2 गुनी लगेगी, तो यार कौन बेवकूफ उसको ठीक कराएगा। तो मतलब ऐसे ऐसे कंपनी के रवैये, हमने वीडियो बना दिया, वीडियो मिलियंस में चला गया, वीडियो हिट हो गया, लोग आज भी उसको देखते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा, चलो ये शर्मा जैसे करता है इसको बायकॉट मारो, ये हमारे नेगेटिव बोलता है इसको बायकॉट मारो। अरे मेरे को बात याद है 2019 की शुरू में एक वीडियो बनाया था मैंने, मुझे फोन आया तो कह रहा सर देखो ऐसे तो फिर साथ चल नहीं पाएगा अपना। मैं कहा तो ना चलने दे, मैं कहा तेरा फोन कौन सा कोई वो है कि हीरे मोती है जो मिल नहीं सकता, मैं चाइना से मंगा लूंगा, इम्पोर्ट कर लूंगा। मैंने तो कह दिया उसको। मैं भी यार अगर कोई फोन लेना होता है फिर कोई भी कुछ भी चीजें लेना होता है तो मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस नहीं देखता क्योंकि मुझे पता है वो सब बायस्ड होते हैं। तो मैं उन लोगों के वीडियोस देखता हूँ जिनके कम सब्सक्राइबर्स है, मतलब 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, उनके वीडियोस में देखता हूँ क्योंकि वो लोग जो है अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे होते हैं। आप लोग भी यही करना यार, कैसा लगा मेरा ट्रिक मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए डेली यूट्यूबर्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने जो है अपना न्यू सॉन्ग अपलोड कर दिया अपने चैनल पर जिसका टाइटल है हीर रांझा। बेसिकली वो अपना सॉन्ग कल अपलोड करने वाले थे मतलब 13 जुलाई को, लेकिन उन्होंने आज ही अपलोड कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो बताया कि अगर उस पोस्ट के नीचे अगर 3 घंटे के अंदर अंदर 25,000 कमेंट्स हो गए तो वो आज ही अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। पर भाई साहब लोगों ने 3 घंटे के अंदर अंदर 25,000 कमेंट्स नहीं 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स कर दिए जिसकी वजह से उन्होंने आज ही अपना न्यू सॉन्ग अपलोड कर दिया। तो अगर आप लोग ने वो सॉन्ग नहीं सुना अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सुन सकते हो। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कैरे मिनाटी के बारे में। तो कैरे मिनाटी का जो सॉन्ग था यलगार एंड जो वो एक दिन पहले अपना न्यू वीडियो अपलोड किए थे वो दोनों वीडियोस में जो है उनको कॉपीराइट क्लेम आ गया है, मतलब कि उन वीडियो से जितना भी इनकम होगा वो 1 रुपए भी उनको नहीं मिलेगा। जिसने वो क्लेम दिया है उसको सारा पैसा मिलेगा। एंड किसने क्लेम दिया है आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सोनो सूट करके कोई है उसने क्लेम दिया है कैरे मिनाटी के वीडियोस को। बेसिकली जब कैरे मिनाटी का सॉन्ग आया था यलगार उसने अपने चैनल पर री अपलोड कर दिया था उस सॉन्ग को। तो जब कैरे मिनाटी ने अपना न्यू वीडियो अपलोड कर दिया उसने क्लेम मार दिया कैरे मिनाटी के वीडियो को क्योंकि कैरे मिनाटी ने जो है अपने वीडियो के एंड में यलगार सॉन्ग को यूज किया था। अगर आपने कैरे मिनाटी का न्यू वीडियो पूरा देखा है तो आपको पता होगा। ऑल्सो उसने कैरे मिनाटी के ओरिजिनल सॉन्ग यलगार पे भी कॉपीराइट क्लेम मार दिया। अब ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। उसी के बारे में बताते हुए कैरे मिनाटी यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए एक ट्वीट किए थे अपने ट्विटर पर। वो लिखे दिस इज एन एप्रिसिएशन पोस्ट अबाउट यूट्यूब इंडिया, योर सिस्टम इज द बेस्ट, आई गॉट ए कॉपीराइट क्लेम फ्रॉम समवन एल्स फॉर माय ओन सॉन्ग यलगार ऑन द ओरिजिनल ट्रैक वीडियो एंड ऑन माय लेटेस्ट वीडियो, आई ट्रूली एप्रिशिएट समवन एल्स एंड यू टेकिंग द रेवेन्यू। एंड ये चीज जो है वो गलती से नहीं हुआ है, अगर गलती से हुआ होता तो वो बंदा जो है वो क्लेम अभी तक हटा देता, उसने जानबूझ के क्लेम दिया है ताकि उसको पैसा मिले। सो यस आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अग्रिमा जोशुआ के बारे में। तो 1 साल पहले अग्रिमा जोशुआ एक वीडियो अपलोड की थी, वो एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड की थी जहां पर उन्होंने एक जोक मारा था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के बारे में जो कि बनने वाला है बहुत जल्द अरबियन सी में। तो वो वीडियो करीब 1 साल पुराना है एंड अभी वो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है, मतलब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से अग्रिमा जोशुआ को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो उसी के ऊपर माफी मांगते हुए अग्रिमा जोशुआ अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की, तो आप भी देखिए वो वीडियो क्लिप। और एनसीपी, शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये क्षमा याचना नहीं पेश कर पाई क्योंकि मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों की तरह रेड जोन में है, परंतु मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो की में आप मेरी माफ़ी, मेरी अपॉलोजी स्वीकार करें और आप और मैं हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। और यहाँ पर एक और वीडियो इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि है शुभम मिश्रा का, जहाँ पर शुभम मिश्रा ने अग्रिमा जोशुआ को बहुत ज्यादा गाली वगैरह दिए हैं, बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां दी है। तो उसके वजह से शुभम मिश्रा को बहुत गंदा हेट मिल रहा है जिसके वजह से शुभम मिश्रा ने अपना वो वीडियो हटा दिया, मतलब कि डिलीट कर दिया अपने चैनल से। सो यस यार आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था, लेकिन इससे पहले वीडियो एंड करूं बिग शाउट आउट टू मोहम्मद अली, ऋषिकेश जॉर्ज, बुद्धदेव रॉय, पार्थ दोषी, एक्सपेंसिव फैक्ट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग माय चैनल्स मेंबर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग मी। बस आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड इसी तरीके के यूट्यूब कम्युनिटी या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। And you're making cry. Don't worry, brother, sister.